हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग बिस्मिल्लाह एंड अपडेट्स। कीमती वक्त निकालकर ज़रूर पढ़ें। नंबर वन, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुड़ और प्याज का एक साथ सेवन करने से आपकी रुकू ही हाइट बढ़ जाती है। नंबर टू, यदि मैगी का सेवन लगातार कर रहे हैं तो उससे प्रजनन क्षमता धीरे धीरे बहुत कम होने लगती है, तो इस कारण मैगी में पाया जा इसका रीज़न है मैगी में पाया जाने वाला लेड नामक पदार्थ। नंबर थ्री, सुबह का नाश्ता ना करने वाले लोगों का दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसा लंबे समय तक करने से दिमाग की कार्य क्षमता को और अधिक घटा देता है, इसलिए सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। नंबर फोर, आप सोचते होंगे कि नाश्ता ना करने से आप वजन कम कर सकते हैं, आप डाइट कर सकते हैं। आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। नाश्ता ना करने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर फाइव, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है तो उसकी वजह चाय ही है। चाय का असर हमारी हड्डियों पर पड़ता है सीधे, और ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। नंबर सिक्स, बेसन और नींबू को मिलाकर चेहरे पर लगाने से टैनिंग, चेहरे और होठों पर जमा पिगमेंटेशन, दाग धब्बों को साफ करने में मदद मिलती है और चेहरे पर निखार आता है। नंबर सेवन, सदियों से बेसन का प्रयोग शरीर के बालों को हटाने के लिए किया जा रहा है। अगर आप बेसन में नींबू, सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर चेहरे पर उपटन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये अनचाहे बालों को हटाने में मदद करेगा। नंबर एट, कब्ज और पेट दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो काली मिर्च और गर्म पानी का सेवन साथ में कर सकते हैं। काली मिर्च और नींबू के साथ गर्म पानी के सेवन से कब्ज की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। नंबर नाइन, सुबह खाली पेट पानी पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे आप कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बच सकते हैं, इसलिए रोजाना खाली पेट गुनगुना पानी जरूर पिए। नंबर टेन, सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे आप हेल्दी स्किन पा सकते हैं। नियमित रूप से खाली पेट पानी पीने से झुर्री और काले धब्बों से निजात मिलती है और आपकी स्किन ग्लो करती है। नंबर 11, अगर आप अपने दुबले पतले शरीर से परेशान हैं तो और वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप चना और खजूर का सेवन करें। नंबर 12, चना और खजूर का सेवन खाली पेट ही खाएं। नंबर 13, पैरों के तलवों पर विक्स लगाकर सोने से छाती का कफ स्थायी रूप से साफ हो जाता है। आप चाहें तो आज ही आजमा कर देख सकते हैं। नंबर 14, यदि शरीर का कोई हिस्सा जल जाता है तो उस पर पका हुआ केला लगाएं, काफ़ी हद तक आराम मिलता है। नंबर 15, यदि महिलाओं को रक्त प्रवाह अधिक हो रहा है तो पके हुए केले को दूध में मसल कर कुछ दिनों तक खाने से लाभ होता है। नंबर से बार बार पेशाब आने की समस्या है तो 4 तोला केले के रस में 2 तोला घी मिलाकर उसका सेवन करें, समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 17, कम खाना खाने वाले लोग ज़्यादा समय तक जीते हैं। येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलोरी इंटेक कम करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा जीवंत रहता है। नंबर 18, नमक ज़्यादा खाने से बालों को झड़ना शुरू हो जाता है, किडनी में सूजन आ जाती है और प्यास ज़्यादा लगती है। नंबर 19, अल्सर के रोगियों के लिए कच्चे केले का सेवन रामबाण औषधि है। नंबर 20, अदरक और शहद दोनों ही मिलकर खांसी से तुरंत राहत दिलाने में मदद करते हैं। अदरक के टुकड़ों को शहद में डुबोकर चबाने से खांसी और सर्दी से राहत मिलती है। नंबर 21, गुलाब जल के साथ मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तैयार कर चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगाकर रखें और ठंडे पानी से धो लें। ये ओपन पोर्स की दिक्कत को दूर करता है, चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करता है, स्किन को एक्स्ट्रा फॉलिएट करता है। नंबर 22, लकड़ी के चूल्हे पर बनी हुई खाना ज़्यादा सेहतमंद होता है। नंबर 23, यदि आपको दिल से संबंधित बीमारी है तो अपनी डाइट में अरबी को शामिल करें। नंबर 24, रात को सोते समय अपने पैरों को खुला छोड़कर सोने से अच्छी नींद आती है। नंबर 25, जिन लोगों को सर्दी यानी ठंड ज़्यादा लगती है तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स का सेवन अधिक करना चाहिए। नंबर 26, बासी खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। नंबर 27, हरी प्याज में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, तो हरी प्याज खाया करें। नंबर 28, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नंबर 29, ऊंचा तकिया लगाकर सोने से
रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तकिया लगाकर सोते समय शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है। नंबर 30, रोजाना दूध का सेवन करने से चेहरे पर चमक आती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।